चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस हौसले के साथ दूसरी बार चोरी करने पहुंचा चोर पकड़ा गया। घटना सिलीगुड़ी के भक्तनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद विहार कॉलोनी की है। दरअसल अम्लान ज्योति सरकार नामक व्यक्ति के घर पर रविवार को चोरी हो गई थी। घर खाली होने के कारण चोरी की वारदात घटी। चोरी के बाद घर के मालिक ने भक्तनगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई। इधर चोरी के बाद भी चोर का मन संतुष्ट नहीं हुआ और वो एक बार फिर बुधवार रात चोरी करने पहुंच गया। दूसरी तरफ चोरी के बाद से कॉलोनी के लोग सतर्क थे। बुधवार रात जैसे ही चोर चोरी करने पहुंचा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी भक्तनगर थाना को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार कर थाना ले आई। इसके बाद पूछताछ करने पर पता चला कि उसने रविवार को भी चोरी की थी। गिरफ्तार चोर का नाम राकेश मिस्त्री है। वो खोलाचंद पापड़ी का रहने वाला है। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी का लैपटॉप, घड़ी, पेन ड्राइव सहित कई सामान बरामद कर लिया है। इधर बार बार इलाके में हो रही चोरी की घटना से लोग आक्रोशित है। वाला जो घर है, जो घर में पहले चोरी करने का कोशिश किया, वहाँ पे संतोष जी का घर में चोरी करने का जहाँ पे कोशिश किया था पिछला दिन, उसी का वहाँ पे जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम का पीछे छुपा हुआ था। तो हम छत में जाके चुपके से देखा तो एक्वेरियम का वहाँ पे छुपा हुआ था। तो हम ऊपर से देखा, उसके बाद में हम सबको फोन करके बोला वहाँ पे छुपा हुआ है। तो उसके बाद में सबको मिलकर उसको दबोचा। ये मोटा मोटी 10 बजे का बात होगा। मेरा घर में सोमवार सुबह हुआ था, 4 बजे घर पे नहीं था। हम लोग एक ही दिन संडे को गया था, मंडे को हम लोग वापस आया 10 बजे। मोटा मोटी 2-2.5 लाख का चोरी हुआ होगा। अच्छा, सारा सामान वगैरह मिला गया। मेरा ही घर में चोरी हुआ था। मेरा पहला वाला घर में चोरी का कोशिश हुआ, लेकिन वहाँ पे घर में कोई जाग गया था तो इसलिए चोरी कर नहीं पाया। आज फिर वही चोर वही सेम कॉलोनी में मेरा घर का बगल में ही चोरी करने ही आया होगा। तो हम लोग उसको देख लिया, तो उसके बाद में तो उसको दबोच ही लिया। कंप्लेन किया था, बस 11:30 बजे हम लोग कंप्लेन दिया यहाँ पे लिखित में, लेकिन भक्तिनगर थाना से हम लोगों को कोई इसका रिसीविंग कॉपी नहीं दिया। तो हम लोग वो 3-4 बार इनको रिक्वेस्ट किया कि रिसीविंग दे, नहीं दिया। हम लोग को मंगलवार को रिसीविंग मिला इसका। पुलिस उस टाइम पे गया भी नहीं, 3 घंटा बाद में जाके इंक्वायरी ठीक से भी नहीं किया। सभी जन से जो बातचीत होता है, सभी जन से बातचीत भी नहीं की, 1-2 जन से बातचीत किया और फिर भक्तिनगर थाना। क्या ऐसा है, देखिए सर, अभी जितना भी डिपेंडेंसी है पुलिस के ऊपर में है, पुलिस अभी रिकवरी करने के लिए लेके गया। हम आशा रखेंगे कि जितना मेरा सामान चोरी हो उतना रिकवरी हो जाए, और हम तो यही चाहता है कि मेरा सामान भी रिकवरी हो जाए और अपना जो कॉलोनी है उसमें भी थोड़ा सेफ्टी बजाय रखे, पुलिस वाला भी थोड़ा सा देखे इस चीज को सेफ। हम लोगों को लग रहा है कि 2 ही जन है, क्योंकि कॉलोनी में 2 जन का ही ऐसे सुनाई दिया कि 2 जन आया था। 1 जन को तो पकड़ा और 1 जन भाग गया होगा, तो पकड़ में तो आया नहीं। आशा আমরা চাব পুলিশ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করুক। আমাদের এটাই ইচ্ছা যে আমাদের যা জিনিস গেছে পুরোটাই আমাদের রিকভারি করা, এটাই আশা রাখবো। उसने थाना में ले आया, उसने आनंद विहार में कमेंटमेंट किया है चोर ने पुलिस को और इन लोग के सामने कि हम सामान पूरा देंगे, हमारे पास सामान है। तो हम ये लोग चाहते हैं, बच्चे लोग चाहते हैं कि हम इन लोग का सामान मिले और पुलिस इसको सजा दे, पुलिस अपना कार्रवाई करे, पुलिस आगे के लिए सिक्योरिटी भी रखे। सिक्योरिटी हम लोग का सिक्योरिटी है। अच्छा, हम लोग का ओन सिक्योरिटी है, लेकिन ओन सिक्योरिटी को कितना बार देखेगा, वो तो 2 सिक्योरिटी घूमते फिरते रहता है, कब चोरी कहाँ से डुकता है तो पता नहीं, वो तो पीछे से आया है। अभी बात चोरी बढ़ती, चोरी आगे से चोरी नहीं हो, इन लोग को आश्वासन मिले कि इनका सामान मिले।